आज तारीख है 18 नवंबर 2023 और ये वही गन्ना है जहाँ पे हमने लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधा 5 फीट पे लगाया है। आज हम यहाँ पे जो बीच वाली जगह है वहाँ पे रोटावेटर चला रहे हैं। तो जब भी हम गन्ने की खेती में निराई गुड़ाई या अंतर खेर करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर हमारी गन्ने की फसल में टीलर्स का समय चल रहा है, जैसा अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, पौधे में टीलर्स निकलना शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम खेर करब करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो गन्ने की पौध है उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी ना गिरे। अगर मिट्टी गिर गई तो टीलर्स निकलने में रुकावट होगी और कम टीलर्स निकलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर टीलर्स निकलने का समय चल रहा है तो कल्टीवेशन करते समय हमें बस यही बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो जड़ है उसके आसपास मिट्टी ना गिरे। और हमने यहाँ पे 7x5 पे गन्ना लगाया है तो हमें एक ही पौधे से कम 25 गन्ने तो बनाने ही है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी हर पौधे से टीलर्स निकलना शुरू हो चुका है। कुछ दिन बाद यहाँ पे गन्ने का मदर शूट निकाल देंगे ताकि और ज़्यादा टीलर्स निकले। अभी तक हमने यहाँ पे फर्टिगेशन की बात करूँ तो 1 एकड़ की 2 बैग गोवर्धन खनिज कंपोस्ट और 2 बैग एरंडे की खली और 1 बार हमने बैक्टीरिया चलाया है, इसके सिवा हमने कुछ नहीं किया है। तो जय जवान जय किसान।